ओके, गुड आफ्टरनून डी एंगमो एंड शेरिंग. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून डी एंगमो. आर यू रेगुलर और यू हैव सेंट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम? सर वो नेट का इश्यू हो गया था. अच्छा, अब ठीक है नेट का इश्यू? हाँ जी, यस. चलो ठीक है. देखो, लास्ट टाइम, और शायद सिरिंग को याद होगा, लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, राइट सिरिंग? आप थे लास्ट क्लास में? यस सर. ठीक है, तो मैंने ये बोला था कि व्हेनेवर यू कीप अ चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स इज रिटन एज क्यू वी वी मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा. और मैंने आपको इसमें ये बताया था कि हियर थीटा इज बेसिकली द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, कि वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों के इन बिटवीन जो ये एंगल है, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एंड यू नो हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. डायरेक्शन में मैंने आपसे ये बताया था कि फॉर डायरेक्शन वी विल बी यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन. लेफ्ट हैंड रूल में मैंने आपको क्या बोला था कि आपका फर्स्ट फिंगर of your left hand, middle finger of your left hand and the thumb, ठीक है, of your left hand, अगर आप इन तीनों को mutually perpendicular place करें, mutually perpendicular, this is your middle finger, this is your first finger, ठीक है, middle finger and the thumb. मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया? ऐसा कर लो इसको, ये फर्स्ट फिंगर मान लो यहाँ पर, ये मिडिल वाला मान लो और ये थंब मान लो, ठीक है, समझने के लिए बस. तो आपको अगर दिस फर्स्ट फिंगर इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मिडिल फिंगर इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, द सेकंड फिंगर एंड देन द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब अगर आप फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, सेकेंड फिंगर को आप करेंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तो इन दैट केस आपके जो लेफ्ट हैंड का थंब है, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. क्लियर है? ठीक. दूसरी बात, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बोला था कि इफ यू हैव पॉजिटिव चार्ज, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज सर यहाँ तो चार्ज है और वेलोसिटी है, यहाँ तो करंट है ही नहीं, तो फिर ये डायरेक्शन में करंट हम कैसे यूज करेंगे? तो याद रखो कि इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज मूव्स, इन द सेम डायरेक्शन करंट फ्लोज, आपको पता है. और the direction in which the negative charge moves, उसके opposite direction में current flow करता है, है ना? आपको ये पता है कि भाई जिस direction में आपका positive charge move करता है, current also flows in the same direction, और जिस direction में आपका negative charge flow करता है, उसके opposite direction में आपका current flow करता है ना? तो this is how you will determine the direction of current from the flow of the charge, whether it is positive or negative, and on the basis of that आप अपने फिंगर को प्लेस करेंगे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन का मतलब उस हिसाब से आप फिंगर को प्लेस करेंगे. क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई, ये फोर्स का फॉर्मूला क्लियर हो गया, तो दो तीन क्वेश्चन हम करते हैं इस फोर्स से रिलेटेड, छोटे छोटे से, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है. देखो, क्वेश्चन ये है कि अ प्रोटॉन इंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2.5 टेस्ला, and the velocity is 1.5 into 10 to the power 7 meter per second, और हमारा जो charge particle, it's a proton, theta is equal to 30 degree, ठीक है, और charge particle में क्या है, charge is proton, ठीक है, proton enters in the magnetic field, a proton enters in the magnetic field, proton enter कर रहा है किसमें, magnetic field में. तो आपको ये वैल्यूज ऐसे गिवन है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन. करो तो सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो. यू कैन सॉल्व, तो करो. Thank you.
Sir, what will be the charge? I didn't get you. फिर से बोलो. What will be the charge? What will be retard? Charge. Basically, a proton enters, na. So what is the charge of proton? Charge of proton is 1.6 into 10 to the power 19 coulomb. ठीक है. 10 to the power minus 19 coulomb. This is the value of the charge, right? Or because it is a proton, so it will be positive, and this is the magnitude of charge. ठीक है. तो अब क्या होगा? Force की value अगर आप लिखेंगे, तो you will write QVB sin theta because आपको proton इसीलिए उसने बोला था कि you need to remember the charge of the proton, है ना? तो आप Q की जगह आप लिखोगे in place of Q you will write 1.6 into 10 to the power minus 19. इसी तरह से आप v the value of velocity they have given you 1.5 into 10 to the power 7 ठीक है into magnetic field की value कितनी है तो that is given as 5 tesla into sine of 30 degree ठीक है इसको solve कर लेंगे आप तो इसको solve करेंगे तो solve करके हमारा जो result आएगा that would be equal to somewhere 3 into 10 to the power minus of 12 newtons ये हमारा result आएगा ठीक है बेटा आगे चलूं ठीक है दो और क्वेश्चन करने हैं ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्मूला एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया अब एक दो और क्वेश्चन हम करते हैं इस एक दो क्वेश्चन को समझना कि क्या पूछ रहा हूं मैं आपको मान लो कि मैंने ऐसे बोला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैं थोड़ा डेटा आसान रखना चाहता हूं तो फॉर दैट आई विल बी टेकिंग सम वैल्यूज और एप्रोप्रिएट वैल्यूज के एक अच्छी सी कैलकुलेशन या अच्छा सा डेटा आपको मिले आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट ठीक है देखो मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलम एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड of 8 tesla with kinetic energy of 100 joule मान लो ठीक है calculate force on the charge if mass of charge particle is 1 kilogram अगर mass 1 kilogram है और इसमें kinetic energy आपको given है याद रखो आपको velocity given नहीं है आपको kinetic energy given है अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूँ angle that the charge makes with magnetic field is 30 degree angle jo ye banayega wo 30 degree hai कर रहे हो आप कैसे करोगे कोई मुझे बताएगा आप लोग में से कोई
हाउ विल यू सॉल्व दिस? आप में से कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर पहले विल, वेरी गुड बेटे, पहले फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड हाउ वी विल डू दैट. तो हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, यस हाफ एमवी स्क्वायर. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 100 जूल. तो काइनेटिक एनर्जी इन प्लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जस्ट पुट 100 जूल इनटू हाफ, मास इज गिवन एज 1 किलोग्राम इनटू वी स्क्वायर. तो वी इज इक्वल टू कितना हो गया, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ वी. अब फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, क्यू वी बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा. तो फोर्स की वैल्यू में चार्ज की वैल्यू आप कितनी रख दो, 2 इनटू 200. 200 कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, हाँ चार्ज तो वो 2 कूलम रख दिया. ये जो 200 रूट का 200 रूट अंडर 200 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 100 इनटू 2 रूट के अंदर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट के अंदर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 रूट 2. देखो 200 रूट 200 को हम 10 रूट 2 लिख सकते हैं ना, 10 रूट 2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज 8 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री इज 1 बाई 2, तो 2 एंड 2 कैंसल्स आउट, तो दिस विल बी इक्वल टू 80 रूट 2 न्यूटन. डिड यू अंडरस्टैंड? हो गया. एक और ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा सा एक और अच्छा, थोड़ा बेहतर एक और क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. तो मैं इसको इरेज कर सकता हूँ इफ यू अलाउ. यस ठीक है. अब एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि दिस इज एन इनफिनिटली लॉन्ग वायर. अब देखो पीछे जो आपने पढ़ा है वो सब आपको याद होना चाहिए. इट्स एन इनफिनिटली लॉन्ग वायर एंड इट कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर. यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर आपने एक चार्ज को ऐसे फेंका है, आपने एक चार्ज को ऐसे फेंका है, ये चार्ज है, ये चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम ले लेते हैं. इस चार्ज को आपने फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ मान लो 6 मीटर पर सेकंड से आपने इस चार्ज को फेंका है. ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज. चार्ज पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज. यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ थीटा योरसेल्फ. एंगल हमेशा याद रखो कि यहाँ पर जो थीटा हम लेते हैं, दैट थीटा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज इटसेल्फ द कॉज फॉर मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है, आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर गिवन है. तो इस पॉइंट पे जहां पे आप चार्ज फेंक रहे हो वहां पे इस स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी कैसे पता चलेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो पता चलेगा, वो पता चलेगा आपको बाय द फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर से. समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? चलो मैं कराता हूं. सर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, उसका फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं लास्ट वायर इसी चैप्टर के प्रीवियस सेक्शन में, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. इट विल बी रिटन एज 2 पाई आर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, समझिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या कैन वी राइट दिस एज 2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू आर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये आप जानते हो, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि आपको ऐसा दिख जाए. तो दिस इज इक्वल टू 2 इनटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय करंट, करंट इज 4 डिवाइडेड बाय आर. आर इज दिस डिस्टेंस. किस डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, at a distance of 20 centimeter, तो इसको आप लिख सकते हो 20 into 10 to the power minus 2. Why did you write minus of 2? Because you will convert centimeter into meter. Very good. तो centimeter को आप meter में convert कर लो. इसको solve करोगे तो ये 2, 10, 10 और 10 minus 1 हो जाएगा. मतलब ये हो जाएगा, देखो ये 4 into 10 to the power minus 7 divided by 10 to the power minus 1 हो जाएगा.
इसको ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा 4×10⁻⁶ टेस्ला. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझे? बट हमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना, हमें फोर्स निकालना है. क्या निकालना है? फोर्स. तो फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे? क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. अब आप दोनों में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी हियर? अगर बता दो तो मजा आ जाए. व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? नहीं बेटा, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड याद करो. ये अगर स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मैंने आपको मेथड बताया था कि प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड, प्लेस द थंब ऑफ योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड के थंब को प्लेस करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. कैसे प्लेस करोगे? करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर को कर्ल करो. तो आप देखोगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी. बेटा ये आपको सिखाया था मैंने, करके देखो. अब थंब रखो, अब थंब रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आप फिंगर को कर्ल करो, फिंगर को कर्ल करो, तो आपका फिंगर टिप इनवर्ड पॉइंट कर रहा है या नहीं? नहीं समझे? ये आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप राइट हैंड का अपना ये देखो मैं दिखाता हूं, सुनो. नाइन्टी डिग्री देखो, आप थंब को ऐसे रखो ना, थंब को, और आप उस पॉइंट पे टैप करो तो आपकी जो टैपिंग है वो इनवर्ड हो रही होगी. देखो, आप इसको टैप करेंगे तो वो टैपिंग इनवर्ड हो रही होगी. और टैपिंग इनवर्ड का क्या मतलब हुआ? टैपिंग इनवर्ड का मतलब है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? थीटा इज 90 डिग्री. मतलब इस केस में अगर आप देखेंगे तो एंगल बिटवीन बी एंड वी इज 90 डिग्री. इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है सर. बी और वी के बीच का एंगल 90 डिग्री है. क्लियर? तो आप देखिए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ की वैल्यू हो जाएगी क्यू. क्यू का मतलब चार्ज. ठीक है, चार्ज की वैल्यू भी देखो माइक्रो कूलम में, तो इसको कूलम में कन्वर्ट करो. तो 2×10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी व्हिच इज 6 मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल लिया पहले ही, 4×10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. तो साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. बाकी आपका जो भी बचा उसको सॉल्व कर लो. तो एफ की वैल्यू यहां से आप लिख सकते हैं 4×24 = 48 multiplied by 10⁻¹² newton. This is the force on the charged particle. Did you understand? Yes. ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला है F=qvv sin θ. अभी उसी पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे. ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हम थोड़ी सी और बात करेंगे. विल टॉक ऑन दिस फॉर्मूला अगेन, बट इसमें आप कुछ हम डिफरेंट एक दो केस पे बात करेंगे. देखो अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे इमेजिन करिए, आप ऐसे इमेजिन करिए कि लेट्स से वी हैव मैग्नेटिक फील्ड. अब देखिए मैं डिफरेंट दो केसेस हैं जो आपको समझना है. एक वो केस इन विच वी विल बी टेकिंग द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी टू बी 90 डिग्री. मतलब पहला केस व्हेन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन. चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो किससे? चार्ज पार्टिकल से, या वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. और आप मान लो कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी बी. बी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बेटा जल्दी सुनते चलिएगा, बी इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी. क्लियर? आप इसके अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकिए, और आपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया है
यू हैव प्रोजेक्टेड द चार्ज पार्टिकल इन अ वे के सच दैट के चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस. अच्छा ये क्रॉस का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस. मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने क्रॉस क्रॉस बनाया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस क्रॉसेस, क्रॉस इनवर्ड्स. Inwards, magnetic, very good. Inward, magnetic field is inward and velocity is towards right. मतलब magnetic field negative z-axis के along है और आपकी जो velocity है वो x-axis के along है. तो what is the angle between magnetic field and this velocity? Magnetic field or velocity 90 degree. तो आप देखो basically होगा क्या, आप देखना समझना. अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को देखें, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को आप प्लेस करें सच दैट कि लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है वो किस डायरेक्शन में आप रखेंगे, लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ना. आपको मैं वीडियो ऑन करके दिखा देता हूं. देखो मेरे हिसाब से मैं अपने साइड से अगर देखूं इसको तो मैं अपने साइड से इस पे ऐसे बात कह सकता हूं कि देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी इधर है एंड बिकॉज दिस चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव. तो देखो ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा. तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, द सेकेंड फिंगर इज टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, तो फोर्स अपवर्ड लगेगा या नहीं. देखो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड होगी या नहीं होगी. देखो अरे आप प्लेस करके देख लो ना फिंगर्स को और थंब को. डी एंगमो एंड सीरिंग प्लीज रिस्पॉन्ड कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, सेकंड फिंगर को यू प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो डोंट यू थिंक योर थंब विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड. क्या हुआ, बात समझ नहीं आ रही है या क्या हो रहा है बेटा, बोल दो. Sir, I got this point. You got this point. So why you people are not responding then? Anyways, तो force की direction जो होगी यहाँ पर, that force की direction will be perpendicular. अब एक बात समझो, ये होगी direction इस point पे, this will be the direction of force. This is the direction of force at this point. एक बात हमेशा याद रखिए, you need to remember one fact कि whenever the direction of force and velocity are perpendicular, listen to me carefully. फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन जब भी आपस में परपेंडिकुलर होती है, वेलोसिटी और फोर्स की डायरेक्शन जब भी परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे से, तो ऑलवेज रिमेंबर द पाथ ऑफ द पार्टिकल ऑफ मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज सर्कुलर. अब इस बात को याद रख लो कि व्हेनेवर फोर्स एंड वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स और किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो उस केस में ऑलवेज रिमेंबर द फैक्ट कि उस केस में जो आपका पाथ होगा वो कैसा होगा, पाथ विल बी सर्कुलर. इसका मतलब दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन सर्कुलर पाथ. फिर से मेरी बात सुने, सर्कुलर पाथ. अब इसमें एक बात याद रखिए, आपसे कोई पहले मैं बना देता हूं, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल. अब आपको नॉर्मल क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स भी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा, और जब फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा मतलब ये चार्ज को हमने फेंका, वी वेलोसिटी, तो फोर्स परपेंडिकुलर आया वेलोसिटी से, तो हमेशा पाथ कैसा होगा, पाथ विल बी सर्कुलर, पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी सर्कुलर. क्लियर. अब अगर बेटे ये सर्कुलर पाथ है, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो ये सेंटर मान लो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर, तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस भी तो होगी ना, कुछ होगी या नहीं होगी. Yes. हाँ जी बिल्कुल होगी, रेडियस भी होगी.
तो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस रेडियस, इस रेडियस की वैल्यू क्या होगी, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस की वैल्यू क्या होगी, है ना। अच्छा दूसरी बात, एक बात याद रखो, हर पॉइंट पे, मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, किसी भी पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, किसी भी पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा दैट वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर। किसी भी पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब हमें एक बात मालूम है, अगर आपको थोड़ा भी क्लास 11th का कुछ कॉन्सेप्ट याद हो तो क्लास 11th में आपने एक चीज पढ़ा होगा, आई विल रिमाइंड यू दैट, कि व्हेनेवर अ पार्टिकल और अ बॉडी गोज ऑन अ सर्कुलर पाथ, मतलब व्हेनेवर द मोशन ऑफ द पार्टिकल और द बॉडी इज सर्कुलर, जब भी किसी बॉडी या पार्टिकल का मोशन सर्कुलर होता है तो इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो हमेशा उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स किधर लगता है, इन विच डायरेक्शन दैट फोर्स एक्ट्स, तो इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, और उस सेंटर की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। याद आया कुछ? ठीक है, इसका मतलब अ पार्टिकल और अ बॉडी कैन नॉट मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, मतलब कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर ही नहीं सकता अगर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं करे, तो वो नहीं कर सकता मूव सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो अगर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगे तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकता। क्लियर हो गई बात? तो सर विच फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग हियर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इस बात को ऐसे समझो कि फॉर अ बॉडी टू मूव देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। मान लो फॉर अ बॉडी टू मूव हमें बोला गया कि इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ही ये बॉडी मूव करेगी, और आपने क्या किया, यू जस्ट केम एंड पुश्ड द बॉडी, ठीक है, आपने पुश कर दिया। किसने पुश कर दिया? आपने, डी एंगमो ने कर दिया। चलो डी एंगमो ने पुश कर दिया, ठीक है, डी एंगमो ने इसको पुश कर दिया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी? देखो इतना फोर्स तो चाहिए, बट द पॉइंट इज कि हु इज प्रोवाइडिंग दिस फोर्स, तो क्या कहोगे? डी एंगमो ने मूव कर दिया, तो डी एंगमो बिकम्स द कॉज ऑफ दिस फोर्स एंड शी इज प्रोवाइडिंग दिस मच ऑफ फोर्स। तो इन द सिमिलर वे यहां पर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स आई विल रिमाइंड यू द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वैल्यू होती है, अगर ये चार्ज का मास m है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, where m is the mass, v is the velocity and r is the radius. ये फोर्स हमें चाहिए। अगर if a body moves on the circular path of radius r, तो this much is the force required. अब ये फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा? तो याद रखो इस केस में यू हैव टू रिमेम्बर कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है चार्ज पे, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब, और मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे लग कितना रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू वी, मैग्नेटिक फोर्स मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक कितना लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा, क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू क्यू वी वी। बिल्कुल सही बात, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो पहले ये सब नोट करो, तो मैं फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ। आई विल राइट द फाइनल रिजल्ट, बिफोर दैट यू प्लीज नोट इट। वेरी गुड, तो ये आपका, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, तो बिकॉज दीज टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। तो आप देखिए, तो क्यू वी बी मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वेर आर इज द रेडियस, तो वन वी कैंसल्स आउट बाई अनदर वी, तो यहां से हम आर को लिख सकते हैं, दैट इज द रेडियस, कैन बी रिटन एज एम वी डिवाइडेड बाई क्यू वी, the radius of the circular path on which the charged particle will move when thrown in the magnetic field will be equal to mv divided by qv. This, from this formula we can find out the value of radius. ठीक है? अच्छा, इसी में एक और चीज समझते हैं, एक और चीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिरिंग,
मुझे एक बात बताओ कि इफ द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर तो बार बार ये यहीं पहुंचेगा या नहीं? आफ्टर एवरी रिवॉल्यूशन डोंट यू थिंक द चार्ज पार्टिकल विल कम बैक अगेन टू दिस सेम पॉइंट? चार्ज पार्टिकल विल कम टू दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन, ये तो आपको पता है ना? ठीक है, तो देखो इसमें याद रखना एक बात, मैं आपको बताता हूं, एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लिख लो, डज नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको लिख लीजिएगा आप अपने लिए। मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है ना, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड लगाता है ना, द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो कभी भी किसको चेंज नहीं करता। तो इट नेवर चेंजेस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इट ओनली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। देखो बेटा सारे दोनों आप, कि ये अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखोगे तो ये डायरेक्शन है, ये पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये डायरेक्शन है। दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, बट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी सेम। वेलोसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, वैल्यू चेंज नहीं होती। क्लियर है? तो सीरिंग मुझे एक बात बताओ, एवरी टाइम द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से स्टार्ट करेगा वापस, आपने बोला कि घूम के ये यहीं पहुंचेगा, वापस घूम के ये यहीं पहुंचेगा, तो एवरी टाइम द चार्ज पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, तो इसको बार बार यहीं पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा, विल इट बी सेम और डिफरेंट? नहीं, ठीक से सोचो, सेम बेटा सेम, डिफरेंट नहीं होगा तो सेम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बट लॉजिक सोचो ना कि भाई सर्कुलर, वो सर्कुलर पाथ तो वही है, मतलब रेडियस फिक्स्ड है, और मैंने आपसे क्या बोला, v की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, मतलब इफ v इज 10 मीटर पर सेकेंड तो एट एवरी पॉइंट इट विल रिमेन एज 10 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो हर बार इसका टाइम भी तो चेंज नहीं होगा, टाइम विल ऑल्सो रिमेन सेम, नहीं आया? टाइम की वैल्यू सेम रहेगी ना बेटे, तो टाइम की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या रहेगी, टाइम की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहेगी भाई, सिंपल सी बात है कि टाइम की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहेगी, टाइम मतलब हर बार सेम रहेगी। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताओ, आप ही दोनों बताओ क्योंकि आप ही दोनों हो आज, मुझे एक बात बताओ, एक बार यहां से घूम के यहां पहुंचा अगर और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आर है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस दैट दिस चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स एक बार? वेरी गुड, और किस स्पीड से ट्रेवल हो रहा है, v से, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन v इनटू r कैन बी रिटन एज mv डिवाइडेड बाय qb, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb, दिस इज द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड, मतलब दिस इज द टाइम आफ्टर विच द चार्ज पार्टिकल विल रीच द सेम पोजिशन अगेन एंड अगेन, मतलब हर बार क्या हो गया, प्लीज म्यूट योर माइक सीरिंग, एवरी टाइम द चार्ज पार्टिकल विल टेक दिस वैल्यू ऑफ टाइम, और दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन वंस एवरी अगेन एंड अगेन, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड का अगर मैं उल्टा कर दूं तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, अगर आपको याद हो, फ्रीक्वेंसी that is equal to 1 upon frequency, we represent frequency by either f or this sign which is called as nu, but yahan par I will be representing this frequency by f, frequency ko main f se represent karunga, aapko agar yaad ho to frequency is nothing but 1 upon time period, that is the reciprocal of time period is known as frequency, which is written as equal to qb divided by 2 pi m,
और एक बात और अच्छे से देखो, इफ यू लुक एट दिस तो आपको एक बात समझ में आएगी कि टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, इफ आई टॉक अबाउट बोथ टाइम पीरियड एज वेल एज फ्रीक्वेंसी, बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. अगर आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों को देखें तो दोनों वैल्यू इंडिपेंडेंट है. किससे इंडिपेंडेंट है? वेलोसिटी से. बोथ ऑफ द वैल्यूज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, राइट? हो गया. सर कैन यू एक्सप्लेन द टाइम? टाइम अगेन, दिस फॉर्मूला ऑफ टाइम, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? ओके. क्या हुआ, समझ गए आप? डिड यू अंडरस्टैंड? Did you understand or should I explain it again? Understand. Sitting. Okay, good. Note kar lo usko. वेरी गुड. मतलब एक बात क्लियर हो गई ना, इससे हमें एक बात समझ में आ गई, जो अभी हमने केस किया इससे हमें एक बात समझ में आ गई कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी तो इन ऑल दोस केसेस और इन ऑल दैट सर्कमस्टांसेस आपका जो चार्ज पार्टिकल है इट विल मूव ऑन द सर्कुलर पाथ. तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा. और दूसरी बात यह कि व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स. और नेक्स्ट पॉइंट इज के मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस द वैल्यू ऑफ, सॉरी, ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट डज नॉट चेंजेस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज. मतलब वैल्यू वाइज वैल्यू अगर 10 है तो वो 10 ही रहेगी हर पॉइंट पे. इफ द वैल्यू इज 6 तो इट विल रिमेन एज 6 ओनली. बट हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रहा होगा? तो डायरेक्शन वुड बी चेंजिंग एट एवरी पॉइंट. तो ये पॉइंट हो गया. अब आते हैं सर, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब किसी जनरल एंगल पे है, इफ द एंगल इज एनी जनरल वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा इमेजिन करो कि आपका दूसरा केस फॉर एनी जनरल वैल्यू, मतलब मैं लिख देता हूं इसको, ये दूसरा केस है फॉर एनी जनरल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी. किसी भी जनरल एंगल के लिए, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो कोई भी जनरल एंगल है उसके लिए अगर हम बात करें, फॉर एनी जनरल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, मतलब कोई भी थीटा, आप ऐसे इमेजिन करो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस एंगल इज थीटा. तो बेटे यहां पर हम, बच्चा यहां पर अगर आप देखो तो वेलोसिटी को, यहां पर अगर आप देखो तो वेलोसिटी को क्या कर सकते हो आप, वेलोसिटी को यू कैन रिजॉल्व. इस वाले केस में इफ यू लुक एट द वेलोसिटी, मैंने आपसे बोला कि द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन एंड नाइदर इट इज परपेंडिकुलर, इट इज एट सम जनरल एंगल. इन दोनों के बीच का एंगल कुछ जनरल एंगल है, ठीक है. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में वी कैन रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स. इसका एक कंपोनेंट जो होगा विच कैन बी रिटन एज वी साइन थीटा, इसको मैं कह सकता हूं दिस इज वी परपेंडिकुलर, दैट इज दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना. और इस वाले इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर आप देखें दिस विल बी वी कॉस थीटा एंड दिस विल बी वी पैरेलल, दैट इज, ये 11 मत समझ लेना, ये पैरेलल का सिंबल बना रहा हूं,
parallel to magnetic field. So we have two component. One is perpendicular to the magnetic field and another one is parallel to the magnetic field. अब ध्यान से सुनो, ये जो perpendicular component है, the velocity which is perpendicular to the magnetic field, that perpendicular component will try to move the charge particle on the circular path. वो कैसे move करेगा charge particle? वो कैसे move कराना चाहेगा? So it will tend to move the charge particle on the circular path. और ये जो parallel component of velocity which is v cos theta, this will make the charge particle move in the forward direction. Did you understand what I am saying? कि the perpendicular component will make the charge particle move on the circular path. क्योंकि आपको मालूम है कि magnetic field और velocity अगर perpendicular होती है, magnetic field और velocity अगर if they are perpendicular, तो हमेशा charge particle कैसे move करता है? Circular path में move करता है. तो if the magnetic field is perpendicular to the velocity, or you can say if there is any component of velocity which is perpendicular to magnetic field, so in that case that component will make the charge particle move on the circular path. But beta, yahan par sirf perpendicular component hi to nahi hai, yahan par ye wala component bhi, to ye bhi to kuch karega. To ye kya karega? Ye charge particle ko aage chalayega in the direction of magnetic field. Did you understand, Searing? Matlab it दो कंपोनेंट है तो दो काम हो रहे होंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल वुड बी गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ एज वेल एज चार्ज पार्टिकल वुड बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट द सेम टाइम. डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड. Sirin, did you understand what did I say just now? Yes, sir. V sine theta, which is perpendicular to the magnetic field, that will make the charge particle move on the circular path. Whereas V cos theta, which is parallel to the direction of magnetic field, will make the charge particle move along the magnetic field direction. So ultimately, your charge particle will go like this. It will move like in a helical path. इसको हम helical path कहते हैं. ये ऐसे चलेगा. ये घूमेगा भी और आगे भी जाएगा. ठीक है? This will be going on the helical path. ठीक है? और इस हेलिकल पाथ की प्रॉपर्टी क्या होगी कि द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर टर्न विल बी सेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सर्कुलर टर्न्स इज कॉल्ड एज पिच. ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम पिच कहते हैं. पिच क्या चीज है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर पाथ, दो सर्कुलर पाथ के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पिच. क्लियर? तो अब देखो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा? सीरिंग, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ विल यू राइट द रेडियस? जो पहले लिखा था वही लिखेंगे अभी? बेटा कितना सोचा ना तुमने. एमवी लिखेंगे, बट एमवी वाला कौन सा वाला कंपोनेंट? एमवी परपेंडिकुलर, या आप ऐसे कह लो कि यहां पर सर्कुलर पाथ पे कौन मूव करा रहा है इस चार्ज पार्टिकल को? तो द वेलोसिटी कंपोनेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल टू मूव द चार्ज पार्टिकल ऑन द सर्कुलर पाथ इज नॉट वी, इट्स वी साइन थीटा. मतलब एमवी साइन थीटा इन दिस फिगर, इट इज एमवी साइन थीटा. तो इसलिए हम वेलोसिटी की जगह लिखेंगे एमवी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एमवी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यूबी. आइदर यू राइट एमवी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यूबी, या अगर हो सकता है एंगल अगर आपको इसके साथ दे दे. आपको तो याद रखना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट. परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू व्हाट, या परपेंडिकुलर टू व्हाट? तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कंपोनेंट. ठीक है? तो दिस विल प्रोवाइड यू द रेडियस. क्लियर? टाइम पीरियड अगर आपसे कोई पूछे तो आपको मैंने लास्ट वाले केस में बोला था कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो अभी भी यही रहेगा 2πm डिवाइडेड बाई क्यू बी. फ्रीक्वेंसी अगर बोले तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम पीरियड, बस इसी का उल्टा कर दो तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा. इस केस में अगर आपसे कोई पूछ ले पिच, तो सीरिंग मुझे बता सकते हो आपके विच वेलोसिटी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चार्ज पार्टिकल टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस? इस चार्ज पार्टिकल को आगे कौन चला रहा है? विच वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल
to make the charge particle move in the forward direction. Say ring, jaldi bolo. Cos theta. Very good. V cos theta. So pitch matlab distance. Distance kya hota hai? Velocity multiplied by time. और वेलोसिटी में यहाँ पे कौन सी वाली वेलोसिटी लेंगे जो वेलोसिटी इसको आगे चला रही है एंड दैट इज वी कॉस थीटा एज यू एज टोल्ड बाय यू तो वी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम टाइम ये वाला याद रहे ठीक है मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम या तो आप ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पिच को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वी पैरेलल अगर ये याद रखो एक्चुअल टर्म याद रखो यहां पर जैसे वी परपेंडिकुलर मैंने लिखा है यहाँ पर ये v पैरेलल है एक्चुअल टर्म है पैरेलल वाला वो पैरेलल कंपोनेंट v cos थीटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है तो इसलिए याद रखिएगा कि v पैरेलल लेना है आपको पैरेलल वाला कंपोनेंट लेना है ठीक है तो v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम और टाइम आपको दिखाई दे रहा है 2 पाई m डिवाइडेड बाय qb तो दिस विल गिव यू द पिच तो दीज आर द फॉर्मूलाज अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर 90 डिग्री का एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी तो पाथ सर्कुलर होगा विदाउट एनी डाउट बट अगर एंगल 90 डिग्री का नहीं है एंगल कोई जनरल एंगल है अच्छा याद रखो नाइदर द एंगल इज 90 नॉर इट इज 0 और 180 तो उस केस में जनरल एंगल पे पाथ हेलिकल होगा हेलिकल पाथ का मतलब यह है कि वहां पे सर्कुलर पाथ भी होगा इट वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल एंड लीनियर ट्रांसलेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल मतलब आपका चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे भी जा रहा होगा और साथ साथ वो आगे भी मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पे उसको कौन ले जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और आगे कौन मूव करा रहा होगा तो दैट वुड बी पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिड यू अंडरस्टैंड नोट कर लो इसको सर यहां से न्यूमेरिकल आएंगे हाँ यहाँ के बाद न्यूमेरिकल आएंगे उसके बाद फिर हम फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर निकालेंगे अभी तो जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे फाइंड करा है ना ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज आर फॉर द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इसके आगे आएगा फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड डिड यू अंडरस्टैंड ठीक है ये नोट कर लीजिए आज इतना ही रहने देते हैं रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास तो अभी इसको नोट कर लो इतना ही रहने देंगे Thank you, sir. Welcome, बेटा.